हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं सुनील कुमार, आपका हमारे एस्टैग ज्ञान चैनल में स्वागत है। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर अपना एक ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मैं आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कृपया पूरी वीडियो देखें और सारे स्टेप्स मैं एक एक स्टेप्स करके आपको बताऊंगा सब कुछ। आप पूरी वीडियो देखें और अब हम चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। फ्रेंड्स, पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए हमें अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र पर जाना है और ब्राउज़र पर जाने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है पैन सर्विस। पैन सर्विस सर्च करने के बाद हमें ऊपर जाना है और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। इसमें यहाँ पे दिया हुआ होता है एप्लीकेशन टाइप, तो इसमें हमें इंडियन सिटीजन के लिए डालना है, तो इसमें फर्स्ट वाले पे हमें सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाला हमें यहाँ पे सिलेक्ट करते ही नीचे कैटेगरी का ऑप्शन है, कैटेगरी में इंडिविजुअल और एक टाइटल दे देना अपने नाम के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, लास्ट नेम और फिर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और इसमें जो है सिलेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा डाल के सबमिट कर देना। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका टोकन नंबर दिया हुआ होगा, इसको आपको नोट करके रख लेना है। इसको नोट करके रखने के बाद यहाँ पे हमें कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना, और आपके सामने एक नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार का खुल के आएगा। और इसको पहले अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल 3 डॉट पे जाके और डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। डेस्कटॉप साइट पे मोबाइल को अपने करने के बाद यहाँ पे आपको हर बार सभी स्टेपों में सेव ड्राफ्ट इस वाले पे क्लिक करके रखना है, क्योंकि कभी कभी पैन सर्विस अगर कोई फेल्ड हुई या कुछ भी हुआ तो वो आपका वहाँ का वहाँ पे सेव हो जाएगा। और इसमें आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल डालनी है, और ऑनलाइन पेपरलेस आपका पैन कार्ड बनाने के लिए आपको इस वाले फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको नीचे जाना, और नीचे जाने के बाद में फिजिकल पैन कार्ड के लिए यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे नो कर देना, क्योंकि हमें ई पैन कार्ड बनवाना है। और इसमें यहाँ पे आधार कार्ड के 4 अंक लास्ट के, और यहाँ पे आपको यस कर देना कि मुझे जो है पैन कार्ड के ऊपर अपनी फ़ोटो भी चाहिए, और यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से नाम, फिर टाइटल, और ये आपका सारा कुछ इसमें यहाँ पर उठा दिया है इसने अपने आप ही। और यहाँ पर आपने जो है पिताजी का नाम और लास्ट नाम और फर्स्ट, ये सारी डिटेल डालने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा, और हमने यहाँ पे जैसे ये सेव ड्राफ्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ जाता है योर डिटेल आर सक्सेसफुली सेव्ड, और फिर नेक्स्ट आपके पास पेज खुल के आएगा। आपके पास कोई आपका इनकम का है जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो इनकम वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देना। और ये रेजिडेंस वाला है, ये आपका उठा वो आधार कार्ड के हिसाब से अपने आप ले लेगा। बाकी इसमें यहाँ पे कुछ भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा कुछ आधार कार्ड से आ जाएगा आपके पास। और इसमें यहाँ पर लास्ट में आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक फिर इस प्रकार का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर, ये सारा कुछ मांगता, तो इसके लिए आपको इंडियन सिटीजन पे क्लिक करना, यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना सारा वो सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जो भी है, और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये आपका ऊपर अपने आप सारे कोड यहाँ पे उठा लेता है,
और उसके बाद नीचे जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक कर दी, आपका एओ कोड वाली डिटेल यहाँ पे फिल हो गई। और फिर आपको यहाँ पे अपना कोई भी एक प्रूफ देना आइडेंटिटी का और एड्रेस प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप कोई भी प्रूफ अपना दे सकते हैं, और यहाँ पे भी एक आधार कार्ड का दिया जाएगा और डेट ऑफ बर्थ वाला भी है। और इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना नाम डाल के और यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है हिमसेल्फ, और अपने एड्रेस अपने गांव का या कस्बे का जो भी है आपका यहाँ पे वो डालने के बाद, और इसको सबमिट कर देना है। अब इसको यहाँ पे सबमिट करने के बाद में आपके सामने एक नेक्स्ट पेज खुल के आएगा पेमेंट का, पेमेंट ऑप्शन। तो उसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। तो इस प्रकार आप 5 मिनट में ही अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे डेली अपडेट्स मिलते रहें। और आप कमेंट्स भी करें कि इसके लिए आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट्स भी करें। अच्छा, आपको इस प्रकार की और नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।